हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 9वीं में जो हमने काव्य पढ़ा था धरती की सान, उनका स्वाध्याय लिखेंगे। तो आप अपनी पुस्तक और नोटबुक पेंसिल साथ में रखिए, नोटबुक में आपको नोट करना है। तो उनका स्वाध्याय लिखिए। स्वाध्याय में पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। उनमें पहला प्रश्न है, कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान कौन है? तो उनका उत्तर आएगा कि कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान मनुष्य है। दूसरा प्रश्न है, आप क्या क्या कर सकते हैं? तो आपको यह प्रश्न पूछा गया है, इसलिए लिखना है उसका उत्तर। एक विद्यार्थी होने के नाते, आप एक विद्यार्थी होने के नाते जो आपके कार्य क्षेत्र में जो कार्य आएगा वह कार्य आप कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, तीसरे नंबर का, अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है? अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है? तो मनुष्य चाहे तो अन्य जीवों से उन्होंने उपलब्धियां, अनेक उपलब्धियां प्राप्त की है, जैसे कि जल, स्थल और नभ पर उन्होंने प्रभुत्व पाया है। इस तरह मनुष्य अन्य जीवों से महान है। चौथा प्रश्न है, धरती सा दीप कैसे कहा गया है, किसे कहा गया है धरती सा दीप? तो यहाँ पे उसका उत्तर आएगा, धरती सा दीप मनुष्य को कहा गया है। पांचवें नंबर पूछा प्रश्न है, धरती की शान कविता के रचयिता कौन है, उनके कवि का नाम लिखना है। तो यहाँ पे भी मैंने लिखा है पंडित भरत व्यास, तो उनका नाम आएगा। तो उत्तर लिखिए, धरती की शान कविता के रचयिता पंडित भरत व्यास जी है। यह आपके एक वाक्य के प्रश्न हो गए। अब प्रश्न दो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार से लिखिए। तो उनमें से पहला प्रश्न है, कविता में कवि ने किन प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है, कैसे? तो यहाँ पे उत्तर आएगा, कवि ने पहाड़, नदी, पर्वत, माटी, धरती के अंबर, धरती, अंबर, वायु जैसे प्राकृतिक चित्रों का, प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया गया है और मनुष्य को शक्तिशाली बताया गया है। वह चाहे तो पहाड़ों को तोड़ सकता है, वह नदियों के मुख को यानी कि नदी के प्रवाह को उसकी दिशा बदल सकता है, वह चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ सकता है। अब दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में मनुष्य के प्रति किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है और किससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो उनका उत्तर लिखिए, प्रस्तुत कविता में मनुष्य के अंदर छिपी शक्तियों के भावों की अभिव्यक्ति हुई है, जिनमें उनकी शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। वो चाहे तो पहाड़ों को तोड़ सकता है, नदियों के मुख को मोड़ सकता है और साधारण दिखने वाले माटी से अमृत निचोड़ सकता है। वो चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ सकता है। मनुष्य चाहे वह काम कार्य कर सकता है, इसलिए मनुष्य को अपने आप को निर्भर नहीं समझना चाहिए। तीसरा, धरती की शान से कवि का क्या तात्पर्य है, भाव स्पष्ट कीजिए। धरती की शान कविता में, उनका उत्तर लिखिए, धरती की शान कविता में कवि ने मनुष्य को धरती की शान बताया है, उनको अमरता का वरदान दिया है, अमर रहने का वरदान दिया है और उनको व्यक्ति को भगवान के समान बताया गया है और उनकी जो उपलब्धियां है और उनके कार्य से वह धरती को बदल सकता है, युग को बदल सकता है। इसलिए उनका तात्पर्य भाव है कि
यह है कि मनुष्य कब साधारण नहीं है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य संभव नहीं है। कार्य के आधार पर अपने विचार प्रकट कीजिए। यहाँ पे कवि ने उनका उत्तर देखिए, यहाँ पे कवि ने धरती की शान जो कार्य है उनमें कवि ने मनुष्य को अनेक कार्य बताए हैं कि वह पहाड़ जैसे ऊंचे पर्वत को भी तोड़ सकता है, नदी के मुख को मोड़ सकते हैं। उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। वह चाहे तो हर कोई कार्य कर सकता है, अपने आप को साबित कर सकता है। धरती की शान कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। उनमें धरती की शान उनका उत्तर लिखिए। धरती की शान कविता में कवि ने केंद्रीय स्थान का भाव मनुष्य की गरिमा को रखा है। उन्होंने मनुष्य के अंदर छिपी जो शक्तियां है उनको प्रकट करते हुए यह काव्य दिया है। अब आप प्रश्न तीन यानी के काव्य पंक्तियां जो यहाँ पे दी गई है उनका भावार्थ आपको लिखना है। गुरु सा मतिमान पवन सा गति मान तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान। यानी के गुरु सा यानी के बृहस्पति देव जैसे बुद्धिमान है मनुष्य तू, और पवन पवन यानी के वायु जैसा वेगीला है, गतिमान है तू। तू जो चाहे तो धरती नभ से भी ऊंचे से ऊंची यानी के आकाश से भी ऊंचे से ऊंची उड़ान उड़ सकता है। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुठियों में बन तूफान। ये दूसरी काव्य पंक्ति है, उनका भावार्थ है यह है कि धरती की शान है तू, गौरव है तू, भारत की संतान है, भारत में सुपुत्र छे, तेरी मुठियों में बंद तूफान। तेरी मुट्ठी के अंदर बहुत सारे तूफान बंद है। अब यहाँ पे प्रश्न चार है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी लिखिए। यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उनके समानार्थी शब्द लिखने हैं। तो पहला शब्द है भूजल, भूजल यानी भूकंप। दूसरा शब्द है हिमगिरी, हिमगिरी यानी हिमालय। तीसरा शब्द है वाणी, वाणी यानी वचन। और चौथा है तूफान, तूफान यानी के कहर डालना। पांचवा है अमृत, अमृत यानी शुदा। यहाँ पे दूसरा शब्द है धीरज, धीरज यानी धैर्य युक्त। हिम्मत यानी वीरता। नभ यानी आकाश। निज यानी के अपना, अपना खुद का, स्वयं का। ये सारे शब्द यहाँ पे समानार्थी होते हैं। अब आपको प्रश्न पांच में निम्नलिखित शब्दों के विलोम, विलोम यानी के विरुद्धार्थी शब्द लिखने हैं। अमृत का यहाँ पे विरोधी क्या होगा, तो अमृत यानी जहर। अमृत का विरोधी शब्द होगा जहर। अंबर का धरती। अमर, अमर यानी मृत्यु। धीर, धीर यानी अधीर, उनका विरोधी होगा अधीर। वीर, वीर यानी उनका विरोधी होगा कायर, वीर का कायर। पाप, उनका विरोधी होगा पुण्य। जीवन, उनका विरोधी होगा मृत्यु। ठीक है, ये सारे शब्द आपने लिख लिए होंगे आपकी कापी। अब यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं, उनको आपको चुन के लिखने हैं। तो यहाँ पे जो जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तो यहाँ पे तोड़ दे है, वहां पे आपको सही का निशान लगाना है, फिर बाद में कापी में लिख लेना है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, भाल शब्द पे आप सही का सही लगाइए। फिर खाली जगह को तू जान, जरा शक्ति पहचान। तो यहाँ पे आएगा निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान। बाद में है तू जो अगर हिम्मत से क्या ले, काम ले, तो यहाँ पे काम शब्द आएगा। ठीक है, यहाँ पे अब हमारा विकल्प पूर्ण होता है। अब आएगा प्रश्न सात, उनमें आप लिखेंगे काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। आपके आपके पास पाठ्य पुस्तक है और पाठ्य पुस्तक में आपको काव्य पंक्ति दी गई है, तो आप वहां से भी लिख सकते हैं। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। यहाँ पे पहली पंक्ति। दूसरी पंक्ति है निज को तू अगर, निज को अगर तू हिम्मत से काम ले। गुरु शा मतिमान,
पवन सब गतिमान, तेरी नब्जे ऊंची उड़ान रे। यहाँ पे काव्य होती पुनः होती। तो आप ये सारे प्रश्न आपके काव्य में लिख लीजिए, फिर आप पाठशाला आएंगे तब मैं होमवर्क के तौर पर यह आपकी काव्य चेक करूंगी। तब तक के लिए हमारे यहाँ पे हमारा जो स्वाध्याय है वह पूर्ण होता है, इसलिए जय हिंद जय भारत अष्टोत्तर।